हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2023 की नीलामी के स्टार्ट होने में अब बस 3 हफ्तों का ही वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में आईपीएल के रिगार्डिंग सभी आईपीएल टीमें अपनी अपनी तैयारियों को अब लास्ट फॉर्मेट में आ चुकी हैं, यानी कि बिल्कुल लास्ट मोड वो अपनी तैयारियों को देने में जुटी हुई हैं। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी डिटेल में बताएंगे कि आईपीएल 2023 के प्री ऑक्शन की प्रोसेस जो कि स्टार्ट हुई थी, उस प्री ऑक्शन की प्रोसेस में कौन कौन से बड़े प्लेयर्स आप लोगों को नीलामी से पहले ही अपनी टीम बदलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आईपीएल 2023 की नीलामी से पहले ऑलरेडी काफी सारी आईपीएल टीमों के द्वारा मॉक ऑक्शन को कंडक्ट करवाना स्टार्ट हो चुका है, जहां पर ये टीमें अपने उन प्लेयर्स को टारगेट करने में जुटी हुई हैं जिनको ये आईपीएल की नीलामी में काफी ज्यादा टारगेट करने वाली हैं। इन मॉक ऑक्शन के आधार पर ही प्री ऑक्शन की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नाम ऑलरेडी निकल कर आ रहे हैं, जो कि इन आईपीएल की टीमों के द्वारा ऑलरेडी हमें टारगेट किए जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बारी बारी से अगर इन प्लेयर्स की बात की जाए, तो यहां पर हमें सबसे टॉप पर जो नाम देखने को मिल रहा है वो है मनीष पांडे का। इनके नाम को देखकर आप लोग भी थोड़े शॉक रह गए होंगे, क्योंकि मनीष पांडे आईपीएल के लास्ट काफी सालों से हमें काफी ज्यादा फ्लॉप नजर आ रहे थे। ऐसे में एलएसजी की टीम में लास्ट ईयर खेले थे, वहां पर भी इनका परफॉर्मेंस हमें काफी खराब देखने को मिला था, लेकिन इसके बावजूद मनीष पांडे इस लिस्ट में चल रहे हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम किसी भी हालत में इनको अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। दरअसल सीएसके के मिडल ऑर्डर से रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू दोनों चले गए थे, जिसके चलते अब ये टीम मनीष पांडे को अपने मिडिल ऑर्डर में फ्यूचर के तौर पर कंसीडर कर रही है। इनके बाद इस लिस्ट में नाम निकल कर आता है मयंक अग्रवाल का। पीवीकेएस की टीम से रिलीज किए जाने के बाद मयंक अग्रवाल इस आईपीएल की नीलामी में भारत के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक होने वाले हैं, और ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि वैसे तो बहुत सारी टीमें इनको टारगेट कर रही हैं, लेकिन जिस टीम के मॉक ऑक्शन में इनका नाम सबसे टॉप पर चल रहा है वो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की। एसआरएच की टीम के पास इतना बैलेंस पर्स अवेलेबल है कि वो सारे ही अपने जितने प्लेयर्स को चाहते हैं उनको आसानी से अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, तो ऐसे में एसआरएच की टीम भी मयंक अग्रवाल को अपनी टीम में टारगेट करना चाहती है, तो शायद ये टीम भी आसानी से इनको अपनी टीम में शामिल कर लेगी। इनके बाद इस लिस्ट में नाम निकल कर आता है आदिल रशीद का। इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप में जिताने के बाद आदिल रशीद अब पूरे दुनिया भर के T20 के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक आते हैं। मिडिल ओवर्स में इनके विकेट लेने की एबिलिटी के कारण अब इनको मुंबई इंडियंस की टीम के द्वारा कॉन्टैक्ट किया गया है, जहां पर MI की टीम इनको अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, क्योंकि उनकी टीम में कोई भी स्पेशलिस्ट स्पिनर मौजूद नहीं है और इनके आने से MI की टीम के सारे बेसिस कवर्ड हो जाएंगे। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।